वो कहते हैं ना कि टैलेंट सरप्राइज पैकेजेस में मिलता है, एकदम सही कहते हैं। श्रीति झा इंडियन टेलीविजन का जाना माना चेहरा इस बात का लिविंग एग्जाम्पल है, जिसने इतने सालों तक अपने हाई क्वालिटी वर्क से सभी को हैरान किया हो, उससे तो हर कोई यही उम्मीद करेगा कि वो रियलिटी में काफी एटीट्यूड वाली होंगी। लेकिन सरप्राइजिंगली श्रीति झा गर्ल नेक्स्ट डोर कही जा सकती है, जो अपनी सिंप्लिसिटी से सबको हैरान कर सकती है। मैं पर्सनली भी उनकी सिंप्लिसिटी से इतनी इंस्पायर्ड हूँ, जबकि उनके अब तक के लॉन्ग करियर को देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे उन्होंने वैरायटी वर्ड को एक नया मीनिंग दिया हो। एक हाई स्कूल ड्रमर, एक प्रिंसेस, एक स्प्लिट पर्सनालिटी, एक अब्यूज्ड वाइफ या फिर एक गांव में रहने वाली माँ, श्रीति झा ने लिटरली अपना हर एक किरदार निभाया नहीं बल्कि उसे जिया भी है। पर जहाँ वो एक्टिंग की दुनिया में इतनी पॉपुलर हो चुकी है, वहीं अपने कॉलेज डेज के दौरान श्रीति अपने डांस की वजह से पहचानी जाती थी। और शायद आपको याद न हो, पर फाल्गुनी पाठक के ओ पिया लेके डोली आ सॉन्ग की रस्सी पर चलने वाली लड़की जरूर याद होगी, और वो कोई और नहीं बल्कि श्रीति झा ही थी। अपने प्रोफेशन को भगवान का आशीर्वाद मानकर श्रीति अपने सक्सेस का अब तक का सारा क्रेडिट अपने डायरेक्टर्स और राइटर्स को ही देती आई है। उनका काम को लेकर पैशन हो या सेट्स पर मौजूद हर इंसान को रिस्पेक्ट देना हो या फिर लिटरेचर और फिलोसॉफी की नॉलेज, श्रीति हर एक चीज में स्टनिंग रही है। ऐसा टैलेंट अपने आप ही लोगों का रिस्पेक्ट पा लेता है, पर फिर भी जिस तरह श्रीति झा अपने सक्सेस को अपनी सिंप्लिसिटी के साथ कैरी करती रही है, ऐसे में उनके लिए रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली डबल हो जाता है। आज इस वीडियो के थ्रू शुभ श्रीति झा की बिहाइंड द एक्ट्रेस लाइफ से आप सभी को रूबरू कराऊंगी, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। श्रीति झा का जन्म 26 फरवरी 1986 को बेगूसराय बिहार में हुआ था। दरभंगा उनकी नेटिव प्लेस रही है और उनके लव्ड वंस उन्हें प्यार से झल्ली बुलाते हैं। श्रीति के जन्म के बाद से ही उनके पेरेंट्स 10 साल के लिए कोलकाता शिफ्ट हो गए थे और वहीं उनकी स्कूलिंग भी हुई। बाद में कुछ साल काठमांडू नेपाल के मॉडर्न इंडियन स्कूल से उन्होंने आगे की पढ़ाई की, जिसके बाद श्रीति की फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो गई और उनकी हायर स्कूल एजुकेशन दिल्ली के लक्ष्मण पब्लिक स्कूल से हुई। वो बचपन से ही काफी स्टूडियस और सिंसियर चाइल्ड थी और हमेशा ही फैशन से प्रायोरिटी पर उन्होंने कंफर्ट को चुना, और आज भी वो कुर्ता और पटियाला में ही सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करती है। अपनी स्कूल एजुकेशन खत्म कर लेने के बाद श्रीति ने इंग्लिश ऑनर्स में ग्रेजुएशन के लिए श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज में एडमिशन लिया और 2004 में कॉलेज की इंग्लिश ड्रामेटिक सोसाइटी वर्बम भी ज्वाइन किया और वो उसकी प्रेजिडेंट भी रही। उनकी जिंदगी में एक्टिंग ने कदम तो बाय चांस रखा था, पर वो उनकी चॉइस में बदल गया। दरअसल दिल्ली में अपने स्कूल के दौरान श्रीति एज एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अपने स्कूल का एक डांस ग्रुप ज्वाइन करना चाहती थी, बट उनकी डांस टीचर के उस टाइम बीमार होने की वजह से उन्होंने थिएटर चूज कर लिया। तभी से श्रीति स्ट्रीट प्लेस करने लगी और धीरे धीरे उन्हें एक्टिंग का शौक चढ़ गया। इनफैक्ट कॉलेज डेज में आने के बाद भी श्रीति ने एक्टिंग को अपनी इंग्लिश ड्रामेटिक सोसाइटी के लिए चूज किया। उस दौरान उन्होंने एक प्ले रिचुअल एंड ब्लड में अपने रोल को इस तरह जस्टिफाई किया था कि उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी दिया गया था, पर एक्टिंग को प्रोफेशनली भी परस्यू कर लेने का प्लान तब तक उनके मन में नहीं था, पर सब अपने आप ही होता चला गया। श्रीति बताती है कि उन्होंने दिल्ली में अपने पहले शो धूम मचा धूम के लिए ऑडिशन दिया था और वो मुंबई अपने हाथ में एक जॉब लेकर आई थी, और ऐसा इस इंडस्ट्री में रेयरली ही नसीब में होता है। वो ऑडिशन एक मॉडलिंग एजेंसी में ऑर्गेनाइज हुआ था और वहाँ काफी प्रिटी गर्ल्स ऑडिशन देने आई थी, पर श्रीति डायरेक्ट अपने कॉलेज से सलवार सूट पहनकर स्पेक्स लगाकर ऑडिशन देने पहुंच गई। श्रीति को तब लगा था कि वो पक्का रिजेक्ट कर दी जाएंगी, पर शायद उन्हें श्रीति की नेचुरल एक्टिंग पसंद आ गई और वो फाइनली सेलेक्ट हो गई। इसलिए ही श्रीति अपने प्रोफेशन को गॉड्स गिफ्ट मानकर हर एक दिन उसकी वैल्यू करती है और अपने काम को लेकर बहुत ऑनेस्ट रहती है। श्रीति इस बात को एक्सेप्ट करने में काफी शाय थी कि वो कभी एक्ट्रेस भी बन सकती है, और उनके लिए उनकी सारी लड़ाई उनकी सिस्टर मीनाक्षी ने ही लड़ी। उनके पेरेंट्स शोबिज इंडस्ट्री से नहीं थे, साथ ही अपनी बेटियों को लेकर काफी प्रोटेक्टिव भी थे, पर पता नहीं कैसे श्रीति की सिस्टर को उनके ऊपर काफी भरोसा था और उन्होंने सबको कन्विंस भी कर लिया। हैरानी वाली बात तो ये थी कि उन्होंने श्रीति को कभी स्टेज पर एक्ट करते हुए भी नहीं देखा था। यदि मीनाक्षी उस टाइम कन्विंस नहीं करती तो शायद श्रीति अपने फर्स्ट एक्टिंग ऑफर को सीरियसली नहीं लेती। खैर, अपना पहला शो वो भी डिज्नी चैनल के लिए मिल जाने पर उनके मन में काफी मिक्स्ड इमोशंस हुआ करते थे। श्रीति के लिए कैमरा के सामने परफॉर्म करना स्ट्रीट प्ले या स्टेज पर परफॉर्म करने से काफी डिफरेंट एक्सपीरियंस था, और ना ही उन्होंने कभी प्रोफेशनल थिएटर भी किया था, और इसीलिए ये सब उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस रहा। उनका पहला शो उन्हें एक स्कूल टाइप की फीलिंग देता था और सभी एक्टर्स यंग एंड न्यू थे, इसलिए उन्हें इस शो से काफी कुछ सीखने को भी मिला। धूम मचाओ धूम में हाई स्कूल ड्रमर का रोल प्ले करने के बाद श्रीति ने जाह्नवी,
गंगा जैसे काफी साइकोलॉजिकल लेयर्स वाले रोल्स प्ले किए। श्रीति कहती है कि आज वो जो कुछ भी बन पाई है उसका सारा क्रेडिट राइटर्स और डायरेक्टर्स को ही जाता है। उनका एक्टिंग करियर वैरायटी रोल से भरा रहा है और अपने हर रोल में जान डालने के लिए उन्होंने सरकमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग खुद को चेंज किया। श्रीति खुद को मेथड एक्टर नहीं मानती और जब वो काम नहीं कर रही होती है तब भी वो अपने कैरेक्टर्स के बारे में सोचती रहती है। जैसे ज्योति शो में सुधा के रोल के लिए अपनी आवाज में हस्क और आईज में रेडनेस लाने के लिए वो रात भर जागा करती थी। सुधा का कैरेक्टर उनकी लाइफ का वो रोल था जिसने उनको एज एन एक्टर बदल दिया और वो अपने काम को ज्यादा सीरियसली लेने लगी। चाहे कैरेक्टर के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना हो या फिर उसमें उतर जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मूवीज देखकर अपनी एक्टिंग पर वर्क करना हो, सब कुछ उन्होंने दो डायरेक्टर सिद्धार्थ सेन गुप्ता और अरविंद बब्बल से सीखा, जिनकी वजह से वो आज प्रोफेशनली और आर्टिस्टिकली एक अलग पर्सन बन पाई है। श्रीति ने रक्त संबंध शो में एक ब्लाइंड वुमन का रोल निभाया था जो व्यूअर्स में भले ही अप्रिशिएट किया गया हो पर खुद श्रीति अपने उस रोल से काफी नाखुश रही। वो बताती है कि अपने उस रोल के लिए वो वर्ली के ब्लाइंड स्कूल भी गई थी पर जिस तरह नसीरुद्दीन शाह ने स्पर्श में और अल पाचिनो ने द सेंट ऑफ अ वुमन में ब्लाइंड का रोल निभाया है, उन्हें देखकर श्रीति को काफी गिल्टी फील होता है कि इतने ब्रिलियंटली लिखे रोल को भी वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई। श्रीति की एक्टिंग स्किल्स में इतनी जान डाल देने की और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की क्वालिटी से तो आप समझ ही गए होंगे कि वो किस लेवल तक अपना बेस्ट देती है, पर एक्ट करने की इतनी अच्छी इंस्पिरेशन उन्हें वहीदा रहमान से मिलती है। श्रीति कहती है कि वो उन्हें फेवरेट एक्ट्रेस नहीं मानती बल्कि वो उन्हें अपनी माँ सरस्वती अपनी इंस्पिरेशन मानती है, इनफैक्ट पूरे दिल से उनकी पूजा भी करती रही है। प्यासा और कागज के फूल उनकी ऑल टाइम फेवरेट मूवी रही है और अपने फ्री टाइम में भी वो लगातार मूवीज देखकर एक्टिंग सीखती रहती है। श्रीति का नाम अपने फर्स्ट शो के दौरान विक्रांत मैसी के साथ जोड़ा गया था। दोनों सेट्स पर काफी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड भी किया करते थे पर उसके कुछ साल बाद से उनका नाम ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा के लीड एक्टर कुणाल करण कपूर के साथ भी जुड़ा। सोर्सेस की माने तो दोनों एक दूसरे से एक म्यूचुअल फ्रेंड के जरिए मिले थे और अभी भी रूमर्स ये है कि दोनों ही एक सीक्रेट रिलेशनशिप में है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो टाइम आने पर ही पता चलेगा। लास्टली श्रीति अपनी एक्टिंग और डांसिंग स्किल्स के अलावा अपने इंटेलेक्चुअल स्किल्स और अपनी डीप मीनिंग वाली पोएम्स की वजह से ज्यादा एडमायर की जाती है। उनकी स्पोकन फेस्ट मुंबई कॉन्टेस्ट में एक पोएम कन्फेशंस ऑफ एन असेक्सुअल रोमांटिक इतनी ज्यादा वायरल हुई थी कि तभी से लोग उन्हें एज एन एक्टर से ज्यादा उनको एज अ पर्सन एडमायर करने लगे हैं। यदि अभी तक आपने श्रीति की पोएटिक साइड नहीं देखी है तो वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगी, आप अभी जाकर उन्हें जरूर देखें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके और इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।